भारत ने 18 बिलियन डॉलर का जीएसटी कलेक्ट किया है। ये पूरी दुनिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट है, जो कि आप सब जानते हैं टैक्सेस और जीएसटी में इंडिया ने सेकंड रैंक पर अपने कायम किया है। जीएसटी कलेक्ट हमारे देश ने किया है, जीएसटी हमारे देश के लोगों ने दिया है। जीएसटी से आने वाला पैसा हमारे देश में काम आएगा। लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ के एक पत्रकार के दिमाग में खुजली चली कि इतना जीएसटी भारत कलेक्ट कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा। भाई बताओ, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो ये सवाल की खोज में मैडम निकली मार्केट, और मार्केट में मिल गए मैडम को एक भाई साहब। और जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, पाकिस्तानी जहालत के अंदर नंबर वन है। एक से एक बढ़ के जाहिल हमने देखे हैं पाकिस्तान के। सही बात है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी जिंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी लोगों के अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया, तो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन जब इनको सुना तो मेरे को लगा कि ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता भाई, ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता, पाकिस्तानी इतनी समझदारी की बातें कर ही नहीं सकता भाई, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। लेकिन वो पाकिस्तानी है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो मिलिए आज आप सच्ची वाले समझदार इंसान से, जिसकी कुछ बातें आपको जरूर पसंद आएगी। ओके, तो चलते पाकिस्तान। जीएसटी कलेक्शन में उन्होंने 18.85 बिलियन डॉलर्स के जीएसटी कलेक्ट करने के बाद अपने इकोनॉमी, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने मुल्क के ऊपर लगाया है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जीएसटी तो एक बहुत कम लोग देते हैं, अगर जो देते हैं तो उनको भी फीडबैक नज़र नहीं आता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान। सर क्या करते हैं? मैं जी एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ एक सिक्योरिटी कंपनी का। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, जीएसटी का आपको बताऊंगा, दुनिया में सेकंड रैंक पे आया जीएसटी कलेक्शन में इंडिया, 18.85 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने कलेक्शन किया है जीएसटी की, और वो जीएसटी अपने इकोनॉमी स्टेबल करने पर और अपने मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग पर लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या राय रखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जीएसटी आता है और हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन वो टैक्सेस हमारे इकोनॉमी पे नहीं लगते, हमारे मुल्क पे नहीं लगते? देखिए जी, इंडिया की बात तो आप ना ही करें, क्योंकि इंडिया तो हमसे वैसे भी हर तीसरे में आगे है। एटलीस्ट वहाँ भी करप्ट लोग हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। उनकी आप डिफेंस देख लें, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बट टॉप ऑफ द नॉच वो चीज़ें, उनके पास इक्विपमेंट है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर आप, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, हर बंदे का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं टैक्स देता हूँ, बट ऑन अदर हैंड मुझे उस टैक्स की कोई फ़ायदा नहीं होता। शायद माइट बी यू विल एग्री टू दिस। तो हमारा टैक्स ऑब्वियसली गलत हाथों में ही जा रहा है, और अल्लाह करे कि वो दिन आए, कोई मिरेकल हो कि वो टैक्स जो है हमारा सही हाथों में जाए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क फ्लॉरिश करे। और कौन नहीं चाहता? ऑब्वियसली अभी तक तो मेरा ख्याल है हमारे जो एज़ फार एज़ माई नॉलेज गोज़, जितना भी टैक्स है वो टैक्स पेयर ही बड़े कम है, क्योंकि लोगों का यही माइंड सेट है कि यार टैक्स दें क्यों। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। टैक्स देंगे तो वो सही जगह नहीं जाएगा, और जब सही जगह नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली फिर किसी को, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माइसेल्फ, मैं देता हूँ, लेकिन उसका नुकसान क्या, बिजली का बिल महंगे, सब कुछ इतना कुछ बुरा हो रहा है, और आगे जो मुल्क के हालात अब जा रहे हैं उस पर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कहेंगे यार स्टेप बैक ही करो, क्यों दो? क्योंकि हमारा वो मुल्क श्रीलंका की तरफ उस दोहराए पर चल चुका है, जो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन ब्राइट चांसेस आर देयर के वहाँ जा सकता है। फिक्र ना करें। चलो, कुछ तो पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी आंखें खुली हुई है, वो ख्याली दुनिया में नहीं रहते हैं, और आई थिंक ये भाई साहब कभी मदरसे में नहीं गए होंगे, तभी इतनी प्योर बातें कर रहे हैं। लेकिन सर अब भी मेजॉरिटी लोग जो हैं पाकिस्तान में वो टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी भी हो गया टैक्सेस देना, दे रहे हैं। देखें, गरीब अवाम हमारे मुल्क में 95% है, 5% अमीर लोग हैं। अब देखें, आप गाड़ियाँ देखें जो नहीं निकल रही हैं, वो 2% वो निकाल रहे हैं, 60-70 लाख की गाड़ी ऑन दे के। तो गरीब पर्सन 95% अगर टैक्स दे भी रहे तो वो कितना दे रहा होगा? वो तो दे नहीं रहा, तो दे रहा होगा तो कितना दे रहा होगा? हमारी आप देखें ना, यहाँ पे 6 फिगर सैलरी कितने कम लोगों की है, 6 फिगर। कोई 40-50 MBA करने के बाद बहुत को ले रहा होगा, 60,000 ले रहा होगा, उसके 2 बच्चे हैं। सो टैक्स कम लोग दे रहे हैं। हाँ, अगर मुल्क में ऐसे हुक्मरान आ जाए जो काम सही करना शुरू है, तो मेरा ख्याल है हर बंदा टैक्स देगा और मुल्क बहुत जल्दी फ्लॉरिश करेगा। बिल्कुल ऐसे। आपको लगता है कि टैक्स देने और टैक्स लगाने मुल्क पर कोई फ़ायदा है इसका? ऑब्वियसली मैं आई हैव बीन टू वेरियस कंट्रीज, ऑब्वियसली जिन जो मुल्क के लोग टैक्स देते हैं उनको उसके फ़ायदे ही मिलते हैं, जहाँ मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री होती है। अभी आप देखें हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, कोई जाना पसंद करेगा? आप बीमार होंगी आप जाएंगी? नेवर एवर। आप 4 पैसे खर्च करके आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगी, नेशनल हॉस्पिटल जाएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ऑब्वियसली टैक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन अगर लोग दें और हमारी जो हाई अप्स हैं जो ऊपर बैठे हैं उसका सही इस्तेमाल करें, डेफिनेटली लोग देंगे। मैं तो अपनी बात करूं तो मैं तो दूंगा, अभी भी दे रहा हूं, लेकिन बड़ी मुर्दा दिली से दे रहा हूं कि यार देना नहीं चाहिए, लेकिन दे रहा हूं।
ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये मुद्दा मुझे पाकिस्तानी लग ही नहीं रहा है। पाकिस्तान के लोग इतनी समझदारी भरी बातें कर ही नहीं सकते भाई, कर ही नहीं सकते। या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉरेन ट्रिप लगा के आया हुआ है, बहुत सारे कहीं अच्छी कंट्री में घूम के आ चुका है, या फिर ये अवेयर बहुत है, या लिखता पढ़ता होगा, या मदरसे मौलानाओं से काफी दूर रहता होगा। इसने एक बार भी कोई जहालत भरी बात नहीं बोली कि जिसको बोल के आप ठोका ठाकी कर सके। इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे अच्छे हम समझ लें कि डॉक्टर्स हैं और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट भी और बहुत से ऐसे कैंसर के हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी आपने रिसेंट एक बच्ची का वाक्य में भी सुना हो जिसकी गर्दन बैंड थी, हाँ, और उसको इलाज जो करने वाला था वो इंडिया का एक डॉक्टर था। आपको क्या लगता है कि इंडिया अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ों में अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छे मेडिकल्स भी होते हैं कि जो हमारे साथ मतलब अच्छा सलूक कर जाते हैं, फिर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं? इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर उस वक्त नहीं होंगे जब तक जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे। अब जैसे पिछले कुछ हुक्मरान थे मतलब बिफोर मेरे हमारे पैदा होने से पहले जो चाहते थे कि वो हो, लेकिन बेसिकली वहाँ से भी हाथ उस तरह आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और ना बढ़ा जाएगा, क्योंकि कश्मीर का एक ऐसा मसला है जो ना चाहते हैं कि वो हल हो, ना हम चाहते हैं कि हल हो। और मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर हम लेके कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो मेरा ज़ाती ख्याल है इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ एक उसको छोड़ देना चाहिए। और हमें यह बिल्कुल बोला भाई साहब, कश्मीर लेके भी हम कुछ नहीं उगाड़ सकते भाई। तुम्हारे पास जो तुम्हारा कश्मीर है, पाकिस्तान है, वो ही नहीं संभल रहा तुमसे। तुमको दो पाकिस्तान दिए थे तुमसे, वो ही नहीं संभला, उसको भी एक कर दिया और अब एक के भी चार टुकड़े करने वाले हो। अपने मुल्क पे कंसंट्रेट करें, हमारा मुल्क जा के दे रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं तो कश्मीर को आज़ाद होते हुए नहीं देख रहा। इट्स अ वेरी मैं लोगों के एक अजीब सा बयान है, बट मैं तो नहीं देखता। और अगर हमसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा, हमने कश्मीर को अटैच कर लिया, तो वो बेचारे वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। तो हमारे साइड पर कश्मीर, आपको लगता है हमारी हुकूमत जो है उनको फैसिलिटीज़ दे रही है इस टाइम? मैं कश्मीर की बात तो नहीं करूँगा, मैं बलूचिस्तान की बात करूँगा जो हमारे साथ बिल्कुल अटैच है। हम उसके उनके जो है वो प्रॉपरली हकूक अदा नहीं कर पा रहे, तो इस कश्मीर उससे तो बेहतर है। कंपैरेटिवली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें उससे तो बेहतर कश्मीर है, उनके हम हकूक दे पा रहे हैं। उनका अलहदा प्राइम मिनिस्टर है, उनको प्रॉपरली सारा कुछ वो दिया जाता है, सारे मराद दी जाती है, उनको सारा प्रोटोकॉल है, उनको सारे फंड्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर देखें जो हमारा वीक एरिया बलूचिस्तान जहाँ बी एल ए वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कश्मीर तो इज़ गोइंग फाइन। आपको लगता है कि सिंध जहाँ पे थर्ड की साइड है, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा ऑलमोस्ट पाई जाती है, आपने थर्ड शायद में भी देखा हो, चोलिस्तान छोर बहुत ज़्यादा वो अनडिवेलप है, आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप बैकवर्ड एरिया समझ लें वो है। हाँ, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों को उस पर काम नहीं करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए, वो तो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका अगर वोट ले लेंगे ये लोग तो वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट। अभी करतारपुर बनाया इमरान खान ने, तो पूरी दुनिया के सिख उसने अपनी तरफ कर ली है, तो इनके साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हर इंडिया के अगेंस्ट होंगी जी। हमारे इंडियंस जो है वहाँ पे बिलो, क्योंकि इंडिया में तो मोस्टली लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, या तो अमीर है या गरीब है, हमारे तो मिडिल क्लास इंडिया में नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि बिलो द लाइन है या अमीर है, बीच का तो सिलसिला ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, इनको अब देखना एक असिस्टेंट डी एस पी बनी है, अभी एक हिंदू है, एक और फोर्सेज में गए, एक मेजर साहब हैं, सिख हैं, तो करेंगे डेफिनेटली, तो वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा डेफिनेटली। सर अभी जो इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, ऑल ओवर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा है, और पैसे लगाने से रिटर्न पैसा भी आता है। आपको लगता है कि आने वाले सालों में जो IMF की रिपोर्ट है 2022 की, उनका कहना है कि दुनिया की सेकेंड इकोनॉमी वाइज या दूसरे ऑल ओवर सेक्टर वाइज इंडिया बड़ा मुल्क माना जाएगा, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल 100%। अभी से आप देख लें वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स इज द राइट वर्ड वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी सेकेंड क्या, मैं कहता हूँ चाइना तक भी जा सकती है। उन्होंने देखे ना अमेरिका से जिस तरह की उन्होंने कोलिजन की हुई है और डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं और अमेरिका फुल उनको सपोर्ट कर रहा है, और हमारा तो यहाँ पे उल्टा सिलसिला है कि हमें वो सैबोटाज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में तो इंडिया फ्लॉश करेगा, हमसे तो बेहतर करेगा ऑब्वियसली। और 1.5 अरब की आबादी है, हमसे 22 करोड़ नहीं संभल रहे हैं यहाँ पे, तो 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, 23-24 भी कर लें तो 1.5 अरब से तो कम ही है ना, तो वो उनको उनके लिए वो संभालना और उसके बाद इकॉनमी को वहाँ लेके जाना, उनका लिटरेसी रेट देखिए हमसे ऊपर है, तो दिस इज हाउ इट इज़। अभी चाइना जो है पूरी कोशिश कर रहा है ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जिससे वो इफेक्ट कर सके इंडिया और USA की इकोनॉमी और उनके मुल्क को, आपको लगता है चाइना इसमें अपना जो रोल कर रहा है प्ले उसमें कामयाब हो सकते हैं? ऑब्वियसली चाइना कामयाब होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आगे कि हम चाइना में इंडिया और USA आपको लगता है छोटा मुल्क है कोई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन चाइना जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है इन टर्म्स ऑफ उनका, वो हाइट में तो छोटे हैं पर दिमाग में बहुत तेज़ है, लेकिन आगे जो वॉरफेयर चलेगा वो ये न्यूट्रल वॉरफेयर नहीं होगा, ये वो जो कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंस वॉरफेयर होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर ये वो चलेगा, कि आप इंटरनली मुल्क को वीक करेंगे, एक्सटर्नली आप कर नहीं सकते, नोबडी कैन यूज़ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर को कोई भी न्यूक्स को कोई भी नहीं कर सकता,
तो ये है, आप इंटरनली वीक करेंगे, दहशतगर्दी करा के और बेतहाशा चीज़ें हैं जो आपको ही पता है, बींग आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज और तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। भाई साहब ने काफ़ी समझदारी वाली बातें की और इसे समझदार लोगों को सुनने के बाद में भी काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो के अंदर ज़्यादा फन नहीं था, रोस्ट नहीं था, क्योंकि रोस्ट गलत चीज़ों को किया जाता है, अच्छी चीज़ों को नहीं किया जाता है। आपने इन भाई साहब को सुना, इनके सुनने के बाद में अगर आपको भी ये लगता है कि इनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इनको प्रधानमंत्री तो बना ही दीजिए आप। और हाँ, इनको प्रधानमंत्री बनाते बनाते लाल सिंह चड्ढा में मत घुस जाना, याद है ना आपको, शिवजी पे दूध चढ़ाए जाने वाला बेकार हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो पागल हो आप, सिनेमा हॉल जाओगे, बॉयकॉट। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।